आज हम लोग यहाँ पर चुलबुल फर्नीचर में आए हैं। फर्नीचर की इफ्तिदा हुई है मैडम के हाथों। मैं हमारे इरफान साहब को, इमरान साहब को और सोफियान साहब को और उनके अहले ख़ानदान को और उनके वालिद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आपके बिज़नेस में अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाएँ। और तमाम लोग जहाँ पे आए हैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं। अल्लाह से दुआ चुलबुल फैमिली के लिए और उनके बिज़नेस में की ओपनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे इरफान चुलबुल, इमरान चुलबुल और सुफियान चुलबुल को और उनकी तमाम फैमिली के मेम्बर्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला बरकत दे आप लोगों की बिज़नेस में। काफ़ी अच्छा फर्नीचर है यहाँ पे, इम्पोर्टेड फर्नीचर भी है, इंडियन फर्नीचर भी है और लाइट्स की तो पहले से ही शैंडलियर्स वगैरह की दुकान बाजू ही है। तो यहाँ पे अच्छा काफ़ी अच्छा फर्नीचर है, यतीम खाना फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। गुलबर्गा में नया एक शॉप खुल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे इरफान चुलबुल साहब बहुत इसके ऊपर जान लगाए कि ये फर्निशिंग शॉप गुलबर्गा में लाने के लिए बहुत ही खूबसूरत और इकोनॉमिक रेंज, ये लोगों को बहुत फ़ायदेमंद के लिए ये चीज़ लाया गया है और इम्पोर्टेड इंडियन सब कुछ बढ़िया एक फर्निशिंग सेंटर खोला है। उनके और उनके फैमिली को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इटालियन फर्नीचर यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ झूमर वगैरह भी यहाँ पर हैं। अच्छी कोशिश इरफान ने की है तो हम तमाम लोग गुलबर्गा के लोग देखिए, देखने के बाद यकीन मानिए आपको यहाँ हर चीज़। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक फर्नीचर का शोरूम खोले हैं। यहाँ पर कुछ गुलबर्गा में कई सारे शोरूम भी हैं मगर यहाँ पर कुछ हटकर है। आप तमाम लोगों से अपील है आप यहाँ पर आकर यहाँ पर देखिए। हम जब देखें तो बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर। आज मेरे तीनों भांजों ने मोहम्मद सुफियान चुलबुल, मोहम्मद इरफान चुलबुल और मोहम्मद इमरान चुलबुल, माशाल्लाह इन तीनों की मेहनत, अंतक कोशिश मेहनत की वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हम। आज इसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं सबका, लोगों का, और आज इसका इफ्तिताह कर रहे हैं चुलबुल फर्नीचर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि ये चुलबुल फर्नीचर गुलबर्गा में नाम रोशन करें और खैर बरकत दे, अल्लाह ताला खूब तरक्की दे। मेरी दुआ है तीनों भांजों को अल्लाह ताला दीन दुनिया और चौगुनी फर्नीचर की दुकान खोलेंगे, अल्लाह ताला इनको तरक्की दें दे और हर काम नेक व सालेहीन के साथ होंदे। अल्लाह ताला इन तीनों बच्चों को इससे ज़्यादा तरक्की दे। गुलबर्गा क्या, कर्नाटक क्या, पूरे इंडिया में भी इनका नाम रह दे, ये हमारी दुआएँ हैं अल्लाह ताला। डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें देखने में मुझे मिले हैं, जैसे कि हम मेट्रो सिटीज जाते हैं, हैदराबाद है या मुंबई है, जिस तरीके से हम बड़े बड़े शोरूम्स में जैसे जैसे डिफरेंट आइटम्स देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे मेट्रो सिटीज में जिस तरीके से जिस क्वालिटी के मटेरियल होते हैं, जैसे कि सोफा सेट है, टी टेबल है या कोई और दूसरे फर्नीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चुलबुल फर्नीचर की इब्तिदा में आया हूँ। मैं शाहनवाज अहमद बैत कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। इरफान और सुफियान, इमरान तीनों भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारक, रहम करम से चुलबुल फर्नीचर की ओपनिंग हुई है। हम पहले से भी बहुत पहले से सालों से बिजनेस में है, एक ट्यूबलाइट लाइटिंग सॉल्यूशन भी है, झूमर की दुकान है, चुलबुल ट्रेडिंग कंपनी है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स पूरे हैं, अभी फर्नीचर में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इटालियन डिज़ाइंस है, पूरा मलेशियन वुड है, चंडीगढ़ से इंडोर से पूरा वहाँ का है, पूरा अच्छे क्वालिटी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान चुलबुल, मैं यहाँ पे बहुत सालों से ट्यूबलाइट लाइटिंग सॉल्यूशन बिजनेस है मेरा। ऑलरेडी ट्यूबलाइट से मैंने बहुत लोगों से पहचान बढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और एक मेरे भाई के साथ में मोहम्मद इमरान चुलबुल के साथ में एक बिज़नेस की शुरुआत की है जिसका नाम चुलबुल फर्नीचर है। ये अपोजिट गेस्कॉम ऑफिस KEB के सामने यतीम खाना कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आएगा। चुलबुल फर्नीचर बहुत
ہی خوبصورت طریقے کے ہم نے فرنیچر کی افتتاح کی ہے انشاءاللہ شادیوں کے سیٹ اور ہوم فرنیشنگ اور اٹالین ڈیزائن اور آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے ماڈلس یہاں پہ اویلیبل ملیں گے ہر ٹائپ کے صوفے اور آپ کی جہاں تک خواہش ہیں وہ منگا کر بھی دیں گے آپ کو بنا کر بھی دیں گے آپ کے سائزز کے حساب سے یہاں پہ ہم نے جو نیو سیٹ اپ کیا ہے آپ کے دعاؤں سے انشاءاللہ آپ کے اور دعائیں رہے تو ہم اور نیو وینچرز نیو فرمز میں انشاءاللہ کوشش کریں گے چلبل فرنیچر کا جو ایڈریس ہے وہ یتیم خانہ کمپلیکس مین روڈ اسٹیشن کی روڈ پہ آپ کو گیس کام آفس کے سامنے تقریباً آپ کو روڈ پہ ہی دکھائی دے گا انشاءاللہ اگر نہیں بھی ملے تو آپ انہیں کانٹیکٹ کر لیجیے